भाई अभिनव शुक्ला लग रहा है कि टॉप फाइव में आ गए हैं, और अगर टॉप फाइव में अभिनव शुक्ला आ जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा वो रुबीना के लिए ही हो जाएगी। किस तरीके से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, सो अगर अभिनव शुक्ला टॉप फाइव में होते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी टॉप फाइव सामने आ जाते हैं तो फिर वोटिंग लाइन सबके लिए ओपन हो जाती है कि भाई आप अपने फेवरेट को बचा लीजिए, अब पांच ही लोग बचे हुए हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि अभिनव और रुबीना अगर दोनों ही टॉप फाइव में होंगे तो रुबीना के लिए आने वाले वोट्स कहीं ना कहीं बट जाएंगे, क्योंकि अब दोनों ही सामने रहेंगे, दोनों को ही बचाना है। और रुबीना के देखिए अलग फैंस हैं, अभिनव के अलग फैंस हैं, और कुछ इन दोनों के भी फैंस हैं जो रुबीनव फैंस हैं। अब इनका बंटवारा हो जाएगा। अब देखिए, जो वोट करने वाली जनता होती है वो भी दो तरीके की होती है। एक होते हैं स्मार्ट वोटर्स, जो कि दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच आईडीज बनाए हुए होते हैं और अलग अलग आईडीज से वोट कर रहे होते हैं। ओके, सो ये वाले जो वोटर्स हैं इनकी भी अब जो अगर चार पांच आईडीज होंगी वो भी बढ़ जाएंगी। कुछ आईडीज रुबीना को वोट करेंगी, कुछ अभिनव को वोट करेंगी, और कुछ होते हैं सिंगल यूजर्स, यानी कि वो सिर्फ एक ही वोट करते हैं। और अब वो वोट भी किस तरफ जाएगा ये भी डिपेंड करता है, रुबीना को देंगे या अभिनव को देंगे। और अगर ऐसे कुछ भी वोट्स अभिनव को चले जाते हैं तो रुबीना के पास जो आने वाले वोट्स थे वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, कि अगर वो अकेले टॉप फाइव में होती तब जितने वोट्स होते वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम होंगे। यानी कि अगर अभिनव टॉप फाइव में होंगे तो ये वाले वोट्स थोड़े से कम होंगे, अगर कंपेयर टू हम देखा जाए कि अगर रुबीना अकेली होती तो शायद उनको ज्यादा वोट्स मिलते। ये इतना पूरा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अब इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा हो सकता है राहुल वैद्य को। राहुल वैद्य टॉप फाइव में रहेंगे और उनका सीधा कंपटीशन जो है वो रुबीना दिलैक से ही है। और अगर रुबीना दिलैक को आने वाले वोट्स अभिनव के नाम पर बट जाते हैं तो कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक के वोट्स की जो नंबर हैं उनमें गिरावट आएगी। और अगर राहुल वैद्य के जो फैंस हैं, यहाँ पर कोई भी बंटवारा नहीं होने वाला है, जो राहुल के फैंस हैं वो राहुल के ही फैंस हैं, वो और किसी के लिए वोट नहीं करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं वोट करने के लिए, वो वोट्स आ जाते हैं तो कहीं ये रुबीना दिलैक से ऊपर ना निकल जाए, ये भी देखना होगा। इसीलिए रुबीना दिलैक के लिए ये एक बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।